पहले हम लोग जेनेटिक्स से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, 5 मिनट, ठीक है, कि क्या क्या पढ़े थे। तो हम लोग देख लेते हैं जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़े थे हम लोगों ने। जेनेटिक्स के बारे में देखते हैं हम लोग, तो जेनेटिक्स की डिस्कवरी हम लोगों ने देख लिया था कि डिस्कवरी किसने किया था, तो मेंडल साहब थे हमारे, ये पता था हमको मेंडल साहब। थोड़ा सा जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मेंडल साहब ने डिस्कवरी किसमें किया था हमारा, पी प्लांट था। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम हम बता दिए थे कल, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नहीं आज। पी प्लांट था, पी प्लांट कौन सा था हमारा, पाइसम सटाइवम था। पूछा था कितने ईयर्स एक्सपेरिमेंट किए थे, आप लोगों को कल बताए थे कि 7 ईयर्स एक्सपेरिमेंट किए थे। सक्सेस में हमारा था कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे हमारे, जस्ट अपोजिट करेक्टर था। सेकेंड लाइफ साइकिल थी, लाइफ साइकिल जिसकी बहुत स्मॉल होती है, ठीक है, एरिया कम चाहिए, मनी कम चाहिए हमको, ठीक है, कुछ अनदर भी पॉइंट थे। और उसमें डिस्कवरी मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया था, फैक्टर्स नाम दिया था, ठीक है, बस ये याद रखना। जीन को जॉनसन ने दिया था हमारा, जॉनसन, और इसको मेंडल साहब ने दिया था, ठीक है, फैक्टर बोला था उसको, दोनों सेम थे हमारे। दूसरा जेनेटिक्स मेंडल साहब ने दिया था, मैथ के थे हमारे, मैथ का कैलकुलेशन था, तो बायो वालों को समझ में नहीं आया, डू नॉट अंडरस्टैंड, बायोलॉजी स्टूडेंट या फिर बायोलॉजी साइंटिस्ट जो भी थे हमारे, ठीक है, मैथमेटिशियन से, तो टेबल बहुत बड़ा बनाया था, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट इनका एक और पॉइंट है कि नॉट इनको सेलेक्ट नहीं किया गया या फिर अनसक्सेस बोल सकते हैं, तो उसका था हमारा, हम लोग पढ़े थे वॉक वीड, वॉक वीड था जिसपे इन्होंने करेक्टर ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे, इसमें पता था हमको क्या प्रजनन था, पार्थिनो जेनेसिस, ठीक है, प्रेजेंट क्या था हमारा, पार्थिनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सीड इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। तो वॉक वीड था। जेनेटिक्स बताया था कि पेरेंट से जितने भी करेक्टर ट्रांसफर होते हैं ऑफ स्प्रिंग को, उसी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं, उसमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन आता था, ये सब चीजें हम लोगों ने फटाफट कट कर लिया था। कुछ टर्म पढ़े थे होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील्स, जीनोम्स, ठीक है, ये सब टर्म हम लोग पढ़ लिए थे कल, क्या क्या होते हैं, जिसमें फिर मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड पे हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ पॉइंट क्लियर कर लिया था। फिर उसमें एक और था हमारा कि रीडिस्कवरी किसने किया था, रीडिस्कवरी किसने किया था, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है। पहला था हमारा ह्यूगो डी ब्रिज थे, सेकेंड कोरेंस, एंड थर्ड टेस मार, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, आगे भी पढ़ेंगे। 16 ईयर्स आफ्टर डेथ डिस्कवरी ऑफ मेंडल, या उसे बोलते हैं री डिस्कवरी ऑफ मेंडल, ह्यूगो डी ब्रिज, कॉल कोरेंस एंड टेस्मार थे, जिसके बाद हम लोगों ने मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोले थे, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। फिर हम लोगों ने वहां पे गए थे तो मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात किया था। डोमिनेंट क्यों, किसको डोमिनेंट बोलेंगे, जब वो अपने हर जनरेशन में F1, F2, F3, F4 जिस भी जनरेशन में जाएगा तो उसमें अपने आप को डोमिनेंट शो करेगा, तो उसे बोलते थे डोमिनेंट। रिसेसिव की बात करते हैं तो रिसेसिव में था हमारा ऑलवेज नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, अब हमेशा फिलियल जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करेगा, किसी किसी जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा। फिर वहाँ हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोटीन नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल प्रोटीन होते हैं, तो उस बारे में आपको जेनेटिक्स एमबीबीएस में और अच्छे तरीके से बताया जाएगा, जो जीन पढ़ेंगे हम लोग कि प्रोटीन फंक्शनल कौन कौन से हैं, नॉन फंक्शनल कौन कौन से चीज़ें हैं, सब बताई जाएंगी आपको आगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने मेंडल के 3 नियम पढ़े थे, तो वहीं से स्टार्ट करने हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मेंडल्स की बात करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ मेंडल्स में फर्स्ट था हमारा, 3 नियम थे हमारे, 3 नियम है। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड बात करते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट, ठीक है। ये 3 नियम है हमारे पास, लॉ ऑफ, आपको लिख रहा बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट नियम जो एनसीईआरटी लिखा है,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट, ठीक है, ये तीन नियम हमारे पास है, जिसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस को या फिर कहीं के लिखा होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कैसे बोले, तीनों चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें इसमें कौन से नियम आते हैं, या फिर डाई हाइब्रिड की बात करें तो डाई हाइब्रिड में कौन कौन से नियम आते हैं, तो दो जो फर्स्ट एंड सेकेंड नियम है उसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ, या फिर सीधा लिख लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारे दो नियम आएंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, आज हमको यही पढ़ना है, तीनों नियम अच्छे से पढ़ना है, क्रॉस करना है, ठीक है। उसके लास्ट टर्म में हम आप लोगों को बताए थे कि जेनेटिक्स में हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट कि क्रॉस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस कैसे करेंगे और ऑफ स्प्रिंग कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि मेल एंड फीमेल मिलता है, मेल एंड फीमेल दोनों बन सकता है, 50-50 चांसेस है, ठीक है, कैसे होगा। सेकेंड नंबर ऑफ गैमेट निकालना है, ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग। तो पहले हम जो फर्स्ट हम लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम पता कर लेते हैं नंबर ऑफ गैमेट के बारे में कि नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, कि जो फॉर्म हो रहा है गैमेट कैसे, कितने गैमेट, कितने हम नंबर ऑफ लेंगे कि हमारा गैमेट्स पता चल जाए, क्रॉस कर रहे हैं दो दो करेक्टर ले रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनेंगे, थ्री करेक्टर फोर करेक्टर जितने करेक्टर ले रहे हैं कैसे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आ जाओ, नंबर ऑफ गैमेट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ गैमेट टू द पावर एन, इसमें से एन बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर नंबर ऑफ हेटरोजाइगस ही क्यों लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ होमोजाइगस भी ले सकते थे हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था पिछले टर्म पे कल कि नंबर ऑफ होमोजाइगस यदि इस तरह है या फिर इस तरह है, इसको बोलते थे हम लोग होमोजाइगस, यदि कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हैं तो इसको बोलते थे हम लोग हेटरोजाइगस कंडीशन, दो टर्म लिख रहे थे कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी उसको बोलते थे हम लोग हेटरोजाइगस कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है हमारा नंबर ऑफ गैमेट, ध्यान से देखना आप लोग, बहुत हम आराम से बताएंगे आपको, नंबर ऑफ गैमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दे रहा है यहाँ पे कि हम लोग हेटरोजाइगस कंडीशन लेंगे, हम बोले नहीं सर गलत बता रहे हैं, हम लेंगे कौन सा, होमोजाइगस कंडीशन लेंगे, ठीक है, सर को कुछ नहीं पता, तो चलिए दोनों प्रूव करते चलेंगे क्यों कैसे क्यों हो रहा है सब चीजें, ठीक है। हम ले लेते हैं होमोजाइगस कंडीशन, चलो एक हम ले लिए, पहला ले लिए हम लोग होमोजाइगस, आप दोनों ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सर एक ही ले रहे हैं, ठीक है, दोनों में से कोई ले सकते हैं, चलो। अब यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन लिए तो हमारा कितने नंबर में, हमारे वन ए भी है, ए हमारा वन ए भी है, ठीक है, तो फार्मूला रख दिए टू दी पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है हमारी वन, नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे हमारे टू, दोनों में से नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे टू, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब बनाना भी है गैमेट, साथ साथ में बनाना भी है, बताया था कि नंबर ऑफ गैमेट बनाने आने चाहिए, नंबर ऑफ गैमेट फाइंड करने आने चाहिए बोथ एक साथ, ठीक है, यदि ये चीजें आ गई, सबसे कॉन्सेप्ट यही है हमारा, जेनेटिक इसी के बेसिस पे है। तो अब देखिए तो यहाँ पे हमारा टी एन टी है, बोल रहे हैं फार्मूला से पता है हमको कि नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे हमारे पास, दो बनेंगे, तो बना लेते हैं यहाँ से टी, यहाँ से भी हो गया हमारा स्मॉल कैपिटल टी, सेकेंड हम लोगों ने देखा है स्मॉल टी, सर इसका भी बनाना है हमको, चलो बना लेते हैं कोई बात नहीं, चलो देखो यहाँ पे बन गया दो गैमेट बन गए, फार्मूला सबको पता है नंबर ऑफ गैमेट, डायरेक्ट एनसीईआरटी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है नंबर ऑफ गैमेट पता करने के लिए, वहाँ पे डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ गैमेट बना दिया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ गैमेट हमको पता चल गया इस तरह बनेंगे फार्मूले से, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात किए हैं, होमोजाइगस, और फार्मूला क्या है हमारा हेटरोजाइगस। अब देखो यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी है, दोनों दोनों में कोई डिफरेंसेस है, दोनों सेम है, या तो हम इसको लें या तो इसको लें, बात एक ही है, ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं सिर्फ ओनली वन, एक गैमेट ले रहे हैं, यहाँ काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों के पास सेम करेक्टर प्रेजेंट है,
ठीक है। अब ब्लू पेन ले ले जाए तो ब्लू पेन कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, 5 रुपए 10 रुपए तो आपके पैसे के ऊपर है, ठीक है। हमको ब्लू पेन चाहिए, ब्लू पेन दे देगा वो, ठीक है। सेकेंड काम वही करेगा, जैसे यहाँ पे स्मॉल टी बोथ सेम है, हमारे बोथ गैमिट आर सेम, ठीक है, टेक वन दिस, एक ही लेंगे हम लोग, तो यहाँ से गैमिट जो बना हम एक ले ले काम चल जाएगा, दोनों में से कोई एक ले लेंगे, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि हेट्रोजाइगस क्यों लेते हैं, सेकेंड है हमारा कि हम हेट्रोजाइगस ले लिए, ठीक है। फार्मूला है, फार्मूला बोला है टू द पावर एन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, क्लाउड स्टोरेज में कर देते हैं इसको, जिससे आपको याद रहेगा। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, यहाँ पे हेट्रोजाइगस है कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों है कैपिटल टी और स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों अलग अलग गैमिट है, एक टॉल है एक डॉर्फ वाला गैमिट साथ में प्रेजेंट है, तो इसलिए तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे रखती है टू दी पावर एन, एन की वैल्यू यहाँ से कितनी है हमारी, वन, टू दी पावर वन इक्वल टू टू, नंबर ऑफ गैमिट फॉर्मूलेस कितने आ रहे हैं, दो। हम लोग ड्रॉ करके भी देख लेते हैं, टी एन टी यहाँ से बनेगा कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पे जो गैमिट्स बने हमारे दोनों के दोनों क्या हमारे डिफरेंट गैमिट यहाँ पे है, कैपिटल टी डोमिनेंट के लिए है, स्मॉल टी हमारा ड्रॉप के लिए रिसेसिव के लिए था, मतलब कैपिटल टी क्या था हमारा टॉल था और स्मॉल टी कैसा था हमारा डॉप, ठीक है। दोनों अलग अलग करेक्टर है तो हम हेट्रोजाइगस ले सकते हैं क्योंकि दोनों अलग, अब यहाँ पे हम लगा दें टू दी पावर वन एक ही गैमिट लेंगे तो स्मॉल टी वाला हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी फार्मूले में हम लोग लिखते हैं तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन ही लिखते हैं, ठीक है, होमोजाइगस नहीं लिखेंगे, ठीक है। इट इज क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, चल ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया, दोनों को गैमिट पता चल गया कि गैमिट कैसे कैसे करना है, हमको फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ गैमिट देखो यहाँ पे हम लोगों ने पता कर लिया गैमिट यहाँ पे। अब देखो अब जब यहाँ पे फॉलो करेंगे कि हमारा ये, तो देखो यहाँ पे देखना ये हमारा गलत है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वाला गलत है, करेक्ट हमारा कौन सा है, बी, आपको हम ड्रॉ करके बताए कि होमोजाइगस और ये कौन सा है हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, तो हम हेट्रोजाइगस ही लेंगे, ठीक है। अब होमोजाइगस का कैसे लेंगे, जैसे ये हमारा कैपिटल टी नंबर ऑफ गैमिट यहाँ से पता करना है तो हमारे कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन, एक भी है नहीं तो 0, एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, दोनों होमोजाइगस है हमारे, दोनों के एक ही गैमिट है, गैमिट्स हमारे एलील्स आर अल्टरनेटिव पेयर्स ऑफ करेक्टर प्रेजेंट इन जीन इज नोन एज एलील्स, हमेशा पेयर्स में होंगे करेक्टर, तो टी टी 0 हो गया इसको, तो टू द पावर एन टू द पावर 0 यानी 1 और यहाँ से गैमिट क्या बनेगा हमारा टी, सेम एज स्मॉल टी टू द पावर एन टू द पावर 0 कितना हो गया 1, गैमिट क्या बन गया हमारा टी, देखो ये हो गया हमारा, ये करेक्ट है हमारा, ये दोनों करेक्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारा। इसी नाते हमेशा हम फार्मूले में हेट्रोजाइगस कंडीशन लेके ही चलते हैं, ठीक है, होमोजाइगस नहीं रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ गैमिट से निकालेंगे और फिर नंबर ऑफ गैमिट उसके बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया कि आज यही पढ़ेंगे, नंबर ऑफ गैमिट्स बनाना, नंबर ऑफ गैमिट फाइंड करना, फिर उसके बाद हम लोग मोनो हाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस आज खत्म करेंगे वो टॉपिक्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिया आपको, एक मिनट, क्वेश्चन है आपका फाइंड द नंबर ऑफ गैमिट्स, ठीक है, यही क्वेश्चन रहेगा। इसमें से पहला आपको दिया गया है, कोई गैमिट बना के दे दिया गया है, ए इस तरह का दिया है, बी बात कर रहे हैं, दिया गया आपको कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, सी की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अभी इतना फाइंड करते हैं, दो एंड तीन फाइंड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपको दिया नंबर ऑफ गैमिट्स पता करने के लिए, ठीक है, और हमको तुरंत जब भी नंबर ऑफ गैमिट्स आए तो हमारे दिमाग में एक ही माइंड आना चाहिए, हमारा फॉर्मूला टू दी पावर एन की वैल्यू होनी चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए और एन होना चाहिए नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट में हमारा दिया है ये, अभी हम बनाए जस्ट ऊपर, इसकी बात करते हैं फर्स्ट में,
तो इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स से ही पता करना हमको। नंबर ऑफ गैमेट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूले हैं टू द पावर एन, यही हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हम जानते हैं नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितने हैं हमारे इस गैमेट में, ओनली वन। तो टू द पावर एन टू द पावर वन वैल्यू कितनी आ गई, टू। गैमेट कौन कौन से बनेंगे, या तो कैपिटल ए और एक बनेगा हमारा स्मॉल ए। देखो हमारे दो फॉर्मूले से भी पता चल गया और हम बना भी लिए, नंबर ऑफ गैमेट्स हमारा बन गया। ठीक है, यहाँ से हम फाइंड कर लिए पहला आंसर, पता चल गया हमको। हमेशा पेयर्स में लेना, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये एक करेक्टर है, यहाँ पे दो करेक्टर ए एंड बी, तो ए नंबर ऑफ गैमेट्स और ए एक साथ रहेंगे, और ए साथ, हमेशा पेयर्स में ही रहेंगे नंबर ऑफ गैमेट्स जितने भी हैं हमारे। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे एन की वैल्यू कितनी है। एन की वैल्यू फाइंड हो जाए तो हम नंबर ऑफ गैमेट्स निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट हेट्रोजाइगस नहीं है, यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस नहीं है, यानी एन की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है हमारी, जीरो। तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो टू द पावर एन, टू द पावर एन तो टू द पावर जीरो नंबर ऑफ गैमेट कितने बन गए, वन। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए हमारे, वन, वन के नीचे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, चलो नंबर ऑफ गैमेट कितने बन गए हमारे, वन। ठीक है, गैमेट बन गया हमारा। अब देखो यहाँ से पता चल गया वो नंबर ऑफ गैमेट कितने हमारे होंगे, ओनली वन गैमेट से फाइंड होंगे। ठीक है, इस गैमेट से जो नया गैमेट आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा हमारा, कैपिटल ए कैपिटल ए में से क्या बनेगा हमारा, कोई भी एक बनेगा हमारा याद। ठीक है, और कैपिटल बी में से बी, तो नंबर ऑफ गैमेट क्या बन गया हमारा, ए एंड बी। ठीक है, या तो ए या तो बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं सर, ए प्लस बी, वन ए गैमेट वन ए गैमेट इक्वल टू टू। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, हमेशा मल्टीप्लाई करते हुए चलना आपको, यहाँ से आपको पता चल गया। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, थर्ड क्वेश्चन दिया है, ध्यान देना आप लोग, ये दिया है, यहाँ यदि हम एन की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारा काम चल जाएगा, जल्दी से क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारा। तो एन नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, देखो इस गैमेट में कितने हमारे, वन है, इस गैमेट में भी कितने हमारे, वन, दोनों में वन एंड वन है। ठीक है, यानी यहाँ पे अब क्या करना, वन एंड वन इक्वल टू कितना हो गया, टू, यहाँ पे प्लस करना, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन करते चलेंगे। इस गैमेट में कैपिटल ए स्मॉल ए में एक हमारे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है, बी एंड स्मॉल बी में भी एक है हमारे, तो टोटल गैमेट कितने हो गए हमारे पास, टू गैमेट्स हो गए। तो यहाँ पे फार्मूला रख देते हैं हम लोग, टू द पावर एन टू द पावर टू इक्वल टू गैमेट कितने बन गए हमारे, फोर। यहाँ से हमको पता चल गया, फार्मूले से पता चल गया हमको कि नंबर ऑफ गैमेट कितने बनने वाले हैं हमारे, टोटल फोर, क्योंकि इसके पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, देखो इसके साथ है और इसके साथ, दोनों के साथ है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए में एक हेट्रोजाइगस है, कैपिटल बी एन ये भी हेट्रोजाइगस है, दोनों मिला के दो। ठीक है, अब देखो फोर गैमेट बनाएंगे कैसे, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस करना, सब काम छोड़ के यहाँ पे फोकस करना आपको भी। देखो इसको लिख लिए ए एंड ए, दोनों को अलग लिख लिए, अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग बी एंड स्मॉल बी, बी एंड स्मॉल बी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ध्यान देना। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ गैमेट हमको पता चल जाएंगे कि बनेंगे कितने, और फार्मूले से भी कितने, टोटल फार्मूले से हमारे कितने आ रहे हैं, टोटल फोर से गैमेट आने चाहिए। अब यहाँ पे पहला गैमेट बन गया हमारा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। देखो यहाँ से भी हमको पता चल गया नंबर ऑफ गैमेट कितने बन रहे हमारे, गैमेट भी बना लिए फाइंड भी कर लिए, दोनों हमारा सही है। यहाँ हो गया ये दो तीन चार, चार गैमेट बन गए, फार्मूले से भी चार है। यदि आपके फार्मूले में नंबर कुछ अलग आ रहे हैं और नंबर ऑफ गैमेट आप बना रहे हैं कुछ अलग आ रहे हैं, तो यानी कहीं हमसे मिस्टेक हुआ है, 100% गलत है आपका कहीं, या तो फार्मूले या इनकी वैल्यू आप गड़बड़ कर दी, या बनाने में कोई गैमेट दिक्कत कर दिया, गड़बड़ कर दिया कहीं पे। ठीक है, ए बन गया हमारा नंबर ऑफ गैमेट। ठीक है, देखो पहले क्या करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, बी एंड बी को रख दें एक जगह, ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट होगा जो फर्स्ट गैमेट है उसको लेंगे एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे अनदर गैमेट से।
तो ए हम सेपरेट कर दिए, फिर बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर ऑफ गैमेट्स हमारा पता चल गया कि नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। ठीक है, एक बार और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ गैमेट पता करना, तो पहला क्वेश्चन में ए कैपिटल ए स्मॉल ए है, हमारा नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन कितने हमारे एक हेटरोजाइगस पता चल गया कि किस गैमेट में कितने हेटरोजाइगस हैं, तो आप नंबर ऑफ गैमेट्स या न कितने गैमेट्स बन रहे हैं आप डिजाइन जीनोटाइप भी लिख सकते हैं उसके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर सेकंड में हमारा देख लिए कि दोनों में कितने नंबर ऑफ गैमेट, ओनली वन बनेगा ए एंड बी। थर्ड की बात करें, देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई की है, जब गैमेट लिख रहे हैं लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हेट्रोजाइगस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान देना दो चीजें। अब देखो और कॉम्प्लेक्स कैसे आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में कैसे पूछा गया, ये सब तो पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सन ईयर्स नहीं आ रहे लगभग, ठीक है, दिया था आपको गैमेट पता करने के लिए ए बी सी डी ई, ठीक है, इतना दिया। ठीक है, और भी आगे दे सकता है। अब इसमें पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ गैमेट्स, सीधे पूछा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया रहेगा, पहला 4, सेकेंड सेकेंड था 6, थर्ड 8, फोर्थ हमारा था 16। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिया था, नीट में क्वेश्चन करके दिया गया है। ठीक है, ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, फाइंड द नंबर ऑफ गैमेट्स। ऑप्शन में दिया आपका 4, 6, 8 एंड 16। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड करना नंबर ऑफ गैमेट, बनाने नहीं है आपको अभी इसमें। ठीक है, बनाने आप इसे बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं अभी बनाएंगे, हम आगे ट्राई करेंगे, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड ट्राइब्रिड जितने भी हैं सबके बनाएंगे कैसे कैसे बनेगा, तो यहाँ से आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यदि आप किसी जानते हैं तो आप, ठीक है, क्यू एंड ए में लिख सकते हैं। ठीक है, कि क्या होता है हमारा नंबर ऑफ गैमेट कितने बन सकते हैं हमारे 6। ठीक है, हाँ, एक लोगों का आंसर आया 6, चलिए कोशिश तो, नितिन जी ने बहुत सही कोशिश किया 6, और भी बताया आंसर, फटाफट आप लोग बताते जाए आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन क्यू एंड ए में देंगे, कुछ लोगों ने मोड्स में दिया है। ठीक है, कुछ लोगों ने 6, 6, 6, ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही कोशिश किया आप लोगों ने, 6, 6, वेरी गुड वेरी गुड। क्यू एंड ए में आप लोग दें, चैट में ना जाए, ठीक है, सभी बच्चों से है, ठीक है, कि चैट में ना जाए वो। क्यू एंड ए, चलो एक मिनट, ठीक है, चलो कई लोगों ने, और प्रियंका, ठीक है, बहुत सही, ठीक है, प्रियंका ने बहुत सही आंसर दिया है, चलो आ जाते हैं। अब देखो हम लोग फाइंड करते हैं, कोई बच्चों नहीं, कोशिश करो फिर दोबारा समझ में आए, समझाएंगे फिर। देखो यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ठीक है, ए दिया है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट बच्चों, चल ठीक है, ये हमको चार चीज दिया गया है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे पता कर ले, पहले हम लोग एन की वैल्यू फाइंड हो जाए यदि हमको, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा, नंबर ऑफ हम लोग पता कर लेंगे गैमेट से कितने बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, चल ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हेटरोजाइगस ये प्रेजेंट हमारा 1, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हेटरोजाइगस 1, 1, 1 लिखते हैं, ऐसे 2 नहीं लिखते हैं। ठीक है, 1,
यहाँ पे देखो ये जो सी है एंड सी है, दोनों क्या है हमारे कैपिटल सी है। यहाँ पे हमारा होमोजाइगस है हेटरोजाइगस नहीं है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो। यहाँ पे भी दोनों कैपिटल है, जीरो। यहाँ पे हमारा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर है हमारा वन। तो अब इसको आप लोग जोड़ो, प्लस करो, ठीक कितने आएंगे टोटल हमारे, वन टू एंड थ्री। तो एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई हमारी, कितनी है हमारी, थ्री है। ठीक है, देखना, ध्यान देना। यहाँ पे देखो हम राउंड अप कर रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो है एक हेट्रोजाइगस, सेकेंड हेट्रोजाइगस एंड थर्ड हेट्रोजाइगस, ये तीनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल में और एक स्मॉल में, उसी को बोलते हैं हेट्रोजाइगस। आप लोग डिफरेंट गैमेट, डिफरेंट टाइप लिखेंगे, उसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन, विषम संगता बोलते हैं उसे गुजराती में, ठीक है। अब देखो कैपिटल सी ये दोनों कैपिटल है, सब होमोजाइगस है, होमोजाइगस हमको फाइंड करना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। कैपिटल डी दोनों होमोजाइगस, इसको लेना नहीं। तो एन की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई हमारी थ्री, तो टू दी पावर एन यदि लिखते हैं तो टू दी पावर थ्री। अब देखो हम लोग थोड़े से मैथ बायो वाले हैं तो कर ही लेते हैं, कितने हो गए हमारे टोटल, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट। तो टोटल नंबर ऑफ गैमेट कितने हो गए हमारे, एट हो गए हमारे, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैमेट कितने बन गए हमारे, एट गैमेट बन गए हमारे, ठीक है। ये आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, जिन्होंने सिक्स बनाया था, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, कि कितने बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, ठीक है। किसी और का भी आया है सिक्स, सिक्स, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब और भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, अभी जब तक नहीं समझ में आता फिर आपको क्वेश्चन देंगे, आपको तुरंत बताना है कि नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, ठीक है। देखना फिर दिया गया है क्वेश्चन आपको, देखो ए दिया गया है और ए वाला दिया गया है, ठीक है। अब इसमें फाइंड करो आप लोग नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स इसमें फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ गैमेट हम बताएंगे नहीं, आंसर ऑप्शन नहीं देंगे, इसमें आपको दिया है नंबर ऑफ गैमेट, छोटे छोटे से हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ गैमेट से बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर बताओगे, ठीक है, किसी ने बताया, शुभम, शुभम जोशी ने बहुत सही आंसर दिया, वेरी गुड, सब लोग ट्राई करें। टू, श्रुति सही है, टू, बहुत सही, बहुत सही, सब लोग सही दे रहे हैं आंसर। वेरी गुड, चाहिए, सही है, ठीक है। चलो कई लोगों का आंसर आ गया है, इसमें से टू आंसर है, यानी कई लोगों को समझ में आ गया चीज है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें दूसरा चीज है, ठीक है, हमको नंबर ऑफ गैमेट यानी एन की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, मोस्टली प्रोबेबली बच्चों को एन की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो एन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन ए एंड ए है हमारा, इसमें हमारा जीरो, इसमें हमारा वन, तो यहाँ पे वन की वैल्यू वन, तो टू दी पावर वन इक्वल टू टू, ठीक है। तो कितना हो गया नंबर ऑफ गैमेट, कितने पता चल गया हमारे, टू नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे इस जो गैमेट्स दिया गया हमको, जो भी दिया गया, ठीक है। अब इसमें हमारा कौन कौन से गैमीट बनेंगे इसको बनाना है, ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो कि कौन से गैमीट बन सकते हैं, कोशिश करिए आप लोग, सब लोग फटाफट जल्दी से रिप्लाई फास्ट। ठीक है, कुछ लोगों ने चैट में लिख दिया आंसर, चैट बॉक्स में नहीं जाना है आपको, ठीक है। आंसर टू, धीरे, इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स पता करने थे आपको बेटा, ठीक है, कि ए एन ए एंड बी एन, स्मॉल बी में नंबर ऑफ गैमेट्स कितने पर हैं हमें, ठीक है, ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड, आंसर आने, चैट बॉक्स में ना लिखें आप लोग कृपया, ठीक है, क्यू एंड ए रीजन होगा वहां पे लिखें आप लोग, चलो वेरी गुड,
ठीक है, सही है, ठीक है। आंसर आ गया कई लोगों को कि हम लोग ले दी लेते हैं ए, यहाँ से एक ही गैमेट बनेगा ए और यहाँ से बी एंड स्मॉल बी, तो बन गया हमारा ए कैपिटल बी ए एंड स्मॉल बी, नंबर ऑफ गैमेट हमको पता चलने लगे, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसी से आज क्वेश्चन करना है, नंबर ऑफ गैमेट हमको पता ही करना है आज, ठीक है। अब देखो सेकेंड दिया हमारा ए बी, ठीक है, ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था पीछे, देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया है ए एंड बी में हमारा दिए थे नंबर ऑफ गैमेट्स यहाँ पे पता किए थे 4, और नंबर ऑफ हमारा क्वेश्चन और आंसर दोनों सेम है हमारा, ठीक, क्वेश्चन सॉरी नंबर ऑफ गैमेट्स भी सेम है और हम लोगों ने जो नंबर ऑफ गैमेट बनाया है वो भी हमारा सेम है, 4 है 4 है, ठीक है, यहाँ पे बना लिए है। अब इसी तरह आपको थोड़ा सा हम लार्ज जाते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं नंबर ऑफ गैमेट्स में, ठीक है। अब इसके आगे दिया हमारा सी एंड सी, अब इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ गैमेट्स और नंबर ऑफ गैमेट क्या क्या बनेंगे, दोनों आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो आप लोग इसको फाइंड करें सभी लोग। रिप्लाई फास्ट, एक मिनट, कुछ लोगों का आंसर आ गया है लगभग, चलिए सही आंसर आ रहे हैं सबके, एक ठीक है, बहुत सही, ठीक है, चल ठीक है, कोई बात नहीं, चलो गुड, ठीक है, आ जाओ, बहुत लोगों ने आंसर सही बताया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी, 1 ए बी है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे बात करें हमारा 0, तो यहाँ पे 1 एंड 1 जोड़ लिए कितना हो गया n की वैल्यू यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2n^2=4, ठीक है, ये हो गया हमारे नंबर ऑफ गैमेट, हमको पता चल गया, रेज योर हैंड किसी को डाउट है, एनीवन, ठीक है, रुक जाओ बेटा एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट बेटा आप लोग रुक जाना, हाँ हाँ एक मिनट, हाँ हम लोग लास्ट में 5 या 10 मिनट में जो भी डाउट होगा जहाँ इस वजह में आएगा हम लोग वहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है, चलो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 2 आ गई और नंबर ऑफ गैमेट 4 हो गए, ठीक है। अब देखो 4 हो गए हमारे, अब यहाँ से हमको नंबर ऑफ गैमेट पता करना है कि नंबर ऑफ गैमेट कौन कौन से बनेंगे, बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक हो गया हमारा a एंड a, इसको सेपरेट कर लिए, दोनों क्या हमारे हेटरोजाइगस, इसको सेपरेट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या किए देखना, ध्यान देना, बी एंड स्मॉल बी, बी एंड स्मॉल बी से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों के अलग अलग गैमेट बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे हमारे। थर्ड सी हमारा होमोजाइगस, इसमें नंबर ऑफ गैमेट 0 है हमारे, मतलब एक ही गैमेट यहाँ से निकलेगा, तो कैपिटल सी ले, दोनों कैपिटल सी ही हमारे, तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में से एक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोग देखना, ध्यान देना कि नंबर ऑफ गैमेट यहाँ पे हो गया ए बी एंड सी, यहाँ पे ए बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, हमारा नंबर ऑफ गैमेट फार्मूले से भी 4 आ रहे हैं और हम लोगों ने 4 ड्रा कर लिया, यानी हमारे दोनों करेक्ट ऑप्शन है हमारे, सही है नंबर ऑफ गैमेट निकालने का और नंबर ऑफ गैमेट्स बनाने का, ठीक है, यही आप लोग मैच करना। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे रवि सर, रवि सर, ठीक है, तो ये हो गया बेटा, ठीक है, हमारा नंबर ऑफ गैमेट्स, इसको कैसे स्लो डाउन करना चाहिए,
नहीं नहीं ये तो करना, वो नीचे नहीं जा रहा, बच्चे आंसर दिए हुए ना, 25-26। अच्छा ठीक है दो। अच्छा अच्छा ओके ठीक है चलो गुड। ठीक है देखो यहाँ पे आप लोगों ने जो गैमीट बनाया यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने गड़बड़ बना दिया, कैपिटल ए स्मॉल बी धीरज और ठीक है नंबर ऑफ गैमीट्स एन इक्वल टू वैल्यू। ठीक है देखो नंबर ऑफ गैमीट इस तरह बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है कि देखो यहाँ पे हम क्या लिए थे, देखो कितने करेक्टर है हमारे, 3 करेक्टर्स हैं हमारे, कितने हमारे करेक्टर हैं, 3 करेक्टर्स यहाँ पे हम लोगों ने लिया था। ठीक है हमको पता था 3 करेक्टर्स लिए थे हम लोगों ने, ठीक है ठीक है 3 करेक्टर, जितने करेक्टर लेंगे उतने करेक्टर हमारे नंबर ऑफ गैमीट्स में बनने चाहिए। ठीक है तो ठीक है तो ये हमारे नंबर ऑफ गैमीट्स होंगे, ध्यान देना। ठीक है अब देखो यहां से मैं इसको थोड़ा सा और जाता हूँ लेके, ठीक है डिटेल में जाता हूँ लेके, तो आ जाओ। ठीक है अब देखो जैसे यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड किया था, अभी इसी को ले चलते हैं हम लोग बी एंड सी से। ठीक है देखना जिसको नहीं अभी थोड़ा सा गैमीट नहीं बना पाए हो, अब इसको यदि हम अलग अलग कर दें, तीनों को अलग अलग कर दो, ठीक है टेंशन नहीं लेना, तीनों को अलग कर दो, ये ए को अलग कर दिए, ठीक है दूसरा वैसे तीसरा ये समझाने के लिए लेकिन आप करना नहीं। अब देखो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी हमारी 1, एन की वैल्यू 1 और यहाँ पे एन की वैल्यू 0। ठीक है यानी एन की वैल्यू यानी है 2n कितना होगा यहाँ पे हमारा, सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है 2n कितना होगा 1, 2 गैमिट्स एंड 0 इंटू 1 गैमिट। ठीक है तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4 इंटू 1 4, टोटल नंबर ऑफ गैमिट्स कितने बने, लेकिन अलग कर दिए हम लोग। ठीक है ध्यान देना कैसे करेंगे डायरेक्ट। अब देखो यहाँ से 2 गैमिट्स बनने हैं तो क्या क्या बन सकता है, यहाँ से हम यहाँ पे लिख रहे हैं बन सकता है, यहाँ से 2 गैमिट है हमारे अभी हम लोगों ने देखा था बन सकता है, यहाँ से नंबर ऑफ गैमिट कितने हमारे यही 3 बने। ठीक गैमिट बन गए हमारे टोटल इतने, अब इसको इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे ऊपर किए हैं। ठीक है पहले हम डिसाइड कर लेंगे तीनों में से कौन कौन से गैमिट बनेंगे हमारे। ठीक है मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा नहीं करना 2 + 2 + 1 ऐसा नहीं करना आप लोगों को। ठीक है तो ये नंबर ऑफ गैमिट्स हो गए हमारे। अब यहाँ से देखो हम इसने क्या किया, हमने क्या किया है कैपिटल ए स्मॉल ए को अलग लिख दिया, फिर बी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ गैमिट 3 गैमिट्स तो 3 पेयर्स में होने चाहिए, करेक्टर 3 है। हो सकता है ए वाला टॉल को ले जा रहा होगा, ए डॉग को ले जा रहा हो, ए टॉल को, ए राउंड को, ए येल्लो को, 3 करेक्टर है। ठीक है या तो पौधा लंबा होगा, ठीक है दूसरा लंबे के साथ साथ पीला भी हो सकता है और उसके सीड हरे हो सकते हैं, 3 करेक्टर लिया गया यहाँ पे ट्राई है। चलो इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं सेम टू सेम, आप लोग बताना बच्चों। चल ठीक है अब इसको पता करना आपको, इस क्वेश्चन है हमारा, अब बताओ नंबर ऑफ गैमीट बताना है आपको, एन की वैल्यू पता करना है पहले, ठीक है फिर नंबर ऑफ टोटल गैमीट्स कितने बनेंगे और थर्ड क्या क्या गैमीट बनेंगे। ठीक है ठीक चलो आप लोग बताओ आंसर बताओ। ठीक है रन फटाफट कि ये क्वेश्चन दिया गया आपको, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे सबको, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी दिया गया है। ठीक है यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ गैमिट्स फाइंड करने हैं आपको। ठीक है वेरी गुड, कई लोगों का आंसर आना शुरू हो गया, टोटल नंबर ऑफ गैमिट्स 4 4। शुभम एक बार और ट्राई करें आप एन की वैल्यू, ठीक है सही वेरी गुड वेरी गुड आंसर, बहुत सही जा रहे हो बहुत सही। देव जी देव का आंसर भी आ गया, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी वेरी गुड देव वेरी गुड, एन की वैल्यू 2 वेरी गुड 4। अब नंबर ऑफ गैमीट्स बताएं, देव ने एक लोगों ने बता दिया देव ने, आप लोग भी ट्राई करें सब लोग,
नंबर ऑफ गैमिट्स बनाए, नंबर ऑफ गैमिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ गैमिट्स बनाने के लिए। आपको एन की वैल्यू सबको पता हो गई है, लगभग सबका आंसर सही आ रहा है एन की वैल्यू। नंबर ऑफ टोटल्स गैमिट भी सही आ रहे हैं सबके। अब आप लोग गैमिट्स बस बना दीजिए, नंबर ऑफ गैमिट्स कितने बनेंगे? कौन कौन से? दीपिका जी बहुत सही, बी ए सी, बी ए सी सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है, बहुत लोगों का सही है। ठीक है, आंसर बहुत सही जा रहा है। आप लोग नंबर ऑफ गैमिट्स लगभग सीख चुके हैं। ठीक है, देखो एन की वैल्यू यहाँ से 0 1, और ये हो गया हमारा 1, तो दोनों को जोड़ दिया तो एन की वैल्यू 2। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से सुनेगा, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बहुत सही, ये नॉमिनस, ठीक है बहुत सही। ठीक है, एन की वैल्यू 2 to the power n इक्वल टू 4, ये हो गया 4 हमारा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, कैपिटल ए एक है, कैपिटल बी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सी, स्मॉल सी, सी एंड स्मॉल सी, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ए बी सी, ए बी स्मॉल सी, आप लोग मैच करना ए बी कैपिटल सी ए बी स्मॉल सी। ठीक है, ए हमारे देखो नंबर ऑफ गैमिट्स भी हो गए, हमारे नंबर ऑफ गैमिट्स भी हो गए, बहुत सही कोशिश की आप लोगों ने, बहुत सही आंसर। ठीक है चल, ठीक है ए हो गया हमारा नंबर ऑफ गैमिट्स निकालने का तरीका हो गया। कुछ एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग, फटाफट करो। कैपिटल ए, ठीक है ये क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है इसमें आपको पता करना है नंबर ऑफ गैमिट्स पता करना है पहले, क्योंकि आगे चल के हमको ये पता करना है नंबर्स ऑफ गैमिट्स और कौन कौन से गैमिट्स बनेंगे। बहुत सही आंसर आने लगे फटाफट, बहुत सही यही है। ठीक है, एक एक नंबर ऑफ 1 2 3, देखो ध्यान से देखो बच्चों, आप लोग ध्यान से देखो, इसमें जल्दीबाजी नहीं, बहुत सही। ठीक है धीरज जी, शुभम जी, आप लोग ध्यान से थोड़ा सा, ठीक नितिन जी, ठीक है आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखें। हाँ निसर्ग सही है, ठीक, सही है दीपिका, सही है रोशन जी, सही है बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू ध्यान से देखना, चारों के चारों हमारे क्या है, हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, चारों के चारों हमारे क्या है, हेट्रोजाइगस हैं हमारे, और चारों गैमिट्स पता करने हैं। बहुत सही, हाँ बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है देखो यहाँ पे 1 2 3 4, फोर गैमिट्स जितने भी दिए गए हैं सब हमारे क्या है, हेट्रोजाइगस है हमारे। ठीक है, यदि हेट्रोजाइगस है तो हमारे सब गैमिट कितने बनेंगे, हमारे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4। नहीं शुभम, एन की वैल्यू 4 आ रही है शुभम जी, देखो ध्यान से देखिए, कोई भी दोनों कैपिटल है। हाँ बहुत सही, हाँ डी डी, हाँ ध्यान दे, नीट में कहीं ऐसे नहीं दोगे तो नंबर कट जाएंगे 4 नंबर। ठीक है बहुत सही, अब आप लोग इसके नंबर ऑफ गैमिट्स बता दो, एन की वैल्यू 4 तो 2 द पावर n, तो 2 द पावर 4 कितने हो गए हमारे, 16। ठीक है, अब 16 गैमिट बनाने हैं आपको, 16 गैमिट कैसे बनाओगे, अब ये वाली बात आ रही है, तो सेम कुछ नहीं करना। ठीक है ये आप लोग घर पे करना, ठीक है आप लोग बना लोगे, मैं यहां से एक बार लिख दे रहा हूं। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ध्यान देना आप लोग, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देना, स्क्रीन पे अपने ध्यान देना। ठीक है, वैसे बनाने का आप लोग बना लोगे। ठीक है, अब यहाँ से आ गया हमारा बी स्मॉल बी, बी आपको कितना भी गैमिट दिया हो बना सकते हो आप यहाँ से, सी स्मॉल सी, सी स्मॉल सी, रुको एक मिनट थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं बोर्ड स्क्रीन। ए और यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल है, उसके बाद है हमारा बी स्मॉल बी, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा सी एंड स्मॉल सी,
सी एंड स्मॉल सी, ध्यान देना यहाँ पे भी सेम, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, हमारे पास डी है, तो डी को भी दो पार्ट में डिवीजन करना है, तो डी एंड स्मॉल डी इसी तरह कर देना आप लोग, थोड़ा सा डी स्मॉल डी, डी स्मॉल डी, सब ऐसे ही करना है, ठीक है। आगे आप लोग कर सकते हो सबके सब, ठीक है। डी एंड स्मॉल डी, और लास्ट में भी डी एंड स्मॉल डी, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करते चले जाएंगे तो हमारे पास 16 गैमिट पता चल जाएंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा लार्ज लेना, कॉपी लेना, बड़ा सा पेज लेना, एक वो साइड उसमें बनाना शुरू करना, और कल जैसे ही क्लास, अभी क्लास खत्म नहीं, कल जैसे ही क्लास चालू होगी तो आपको पहले ही पूछेंगे कि जो कल का दिया गया था नंबर ऑफ 16 गैमिट थे, 16 गैमिट कौन कौन से बने, ठीक है, तो आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉबली यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ गैमिट सीख गए बनाने के लिए, और नंबर ऑफ गैमिट्स कितने होंगे और नंबर ऑफ गैमिट्स कैसे कैसे बनाने हैं अब आप लोग बना सकते हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है। और दो चीजों का ध्यान देना वहाँ पे कि एन की वैल्यू हमारी सही आ जानी चाहिए, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस कंडीशन, दो चीजें ध्यान रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। थर्ड, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान देना है कि क्या क्या करना है हमको, ठीक है, यही चीज मेन है। अब हम जाते हैं, नंबर ऑफ गैमिट्स पता कर लिए, नंबर ऑफ अप आएगा हमारा क्रॉस, ठीक है। अब हमको पता चल गया गैमिट्स कौन कौन से बन रहे हैं, अब हम लोग क्रॉस करना बहुत आसानी हो जाएगा। जो मेंडल के लॉ थे हमारे, देखो मेंडल के लॉ कितने थे हमारे, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, एक मिनट, तीन नियम थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्मेंट, ठीक है, ये तीन नियम थे। अब हमको ये तीन नियम को आगे बढ़ाते हुए चलना है और पता करना है, रेशियो पता करना है कि नंबर ऑफ रेशियो। अब यहाँ पे दो चीजें और आएंगी, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक हम लोग बात किए थे, क्या हो गया, जो जेनेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे जिस चीज को, जैसे हम लोग अभी जो भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए, देखो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो भी लिखे हुए हैं जेनेटिकली रिप्रेजेंट। अब फिनोटिपली टॉल है, डॉफ है, ग्रीन है, येल्लो है, ब्लैक है, रेड है, जो भी है, करली बॉल है, बाल है। अब करली बाल किस लिए है, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, वो तो हम जीन जेनेटिकली रिप्रेजेंटेशन से ही बता सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग चलते हैं, पहला नियम है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, फर्स्ट नियम था मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये मोनोहाइब्रिड वाले ही है हमारे, फर्स्ट नियम है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बात करते हैं, देखो नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, पेनों रख दो अभी, आराम से मस्त होकर बैठो। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखो बोर्ड पे और सुनो, नाम है डोमिनेंस, डोमिनेंस मींस हो गया हमारा प्रभावी, गुजराती में बोलते हैं उसे प्रभावी, ठीक है। जो डोमिनेंस है वो करेक्टर हमारा एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन, जितने भी जनरेशन है, अकॉर्डिंग टू मेंडल। मेंडल ने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, जो टॉल जो डोमिनेंट है वो अपना करेक्टर हमेशा एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। चल लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा है। अब क्या किया उन्होंने, ठीक है, कि दो गैमिट ले लिया, प्योर लाइन क्रॉस करा दिया, क्या हमारा कराया, एक मिनट, ठीक है, ले लिया प्योर लाइन क्रॉस। प्योर लाइन बताया था आपको क्या लेना है, प्योर चीज लेनी है, कोई भी हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन अभी नहीं लेना है जब प्योर लाइन बोला गया, ठीक है। तो इन्होंने दो चीज लिया, एक पौधा टॉल लिया, पी प्लांट की बात करें आप लोग, 7 करेक्टर में से कोई भी एक करेक्टर आप चूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा उसके साथ साथ सॉर्ट या फिर डॉफ लिया, ठीक है। टॉल प्लांट था हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, दोनों को गैमिट लिख लिए हम लोग, फिनोटिपिक जीनोटिपिक दोनों साथ में लिखते जा रहे हैं। टॉल हमारा क्या है, फिनोटिपिक, और जीनोटिपिक इस तरह रिप्रेजेंट कर, कैपिटल टी एनसीईआरटी में हर बुक में यही कॉमन लिया गया है, आप ऐसा नहीं है, टीटी नीट में भी टीटी होगा, लेकिन हम कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल या कैपिटल भी ये बोल सकते हैं, लेकिन टॉल है, टी से रिप्रेजेंट था, इसने टी लिख दिया वहां पे, ठीक है। अब ये टॉल क्या था हमारा, डोमिनेंट है, और शॉर्ट हमारा क्या है, रिसेसिव, ये हम जानते हैं, ठीक है, पहले पढ़ लिए कि टॉल हमारा क्या है, डोमिनेंट है, और शॉर्ट क्या हमारा, रिसेसिव है। अब देखो यहां से होगा कैसे, लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहां देखेंगे, जब जनरेशन होगा, जैसे क्रॉस होगा F1 जनरेशन, फिलियल फर्स्ट या फिलियल सेकंड में ही बता सकते हैं कि हाँ ये करेक्टर ट्रांसफर हुआ है, इस नाते ये गैमिट डोमिनेंट है, ठीक है।
अब देखना है यहां से नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे हमारे, पता है दोनों होमोजाइगस कंडीशन टू दी पावर जीरो वन, यहाँ पे देखना इसी नाते हम लोग बताए थे, यानी यहां से एक गैमेट होगा और यहां से भी ओनली वन गैमेट ट्रांसफर हुआ हमारा। अब दोनों को आपस में क्रॉस करा दो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और जो नया गैमेट बनाया दोनों आपस में आगे बढ़े टी एन टी, इसी को बोलते हैं हम लोग एफ वन जनरेशन। ठीक है, थोड़ा सा लिखा है इसको, हो गया हमारा, इसको बोलेंगे हम लोग एफ वन जनरेशन फिलियल फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब देखो प्योर लाइन में क्या था, कोई भी त्रुटि नहीं थी, सब कुछ सही था। अब 50% जानते हैं कि मदर्स में से 50% करेक्टर आता, फादर में से 50% करेक्टर हम लोग को बताया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये मेंडल ने बताया था, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको सामने से कि टॉल में से 50% जा रहा हमारा टी, शॉर्ट में से भी एक ही गैमेट जा रहा आगे अकॉर्डिंग टू मेंडल नंबर ऑफ गैमेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो नया प्लांट जो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे, होमोजाइगस, बट एक ऐसा है हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन, एक ऐसा हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब जो F1 में प्लांट है, ठीक है, F1 में जो प्लांट है हमारा वो कैसा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, हम जानते हैं कि टॉल होगा या डॉर्फ होगा। टॉल हमारा टी टी कैपिटल टी है, कैपिटल टी अकॉर्डिंग टू मेंडल, तो टॉल वाला जानने क्या हमारा करेक्टर लिखें क्या हमारा डोमिनेंट है, और डोमिनेंट हमेशा एक्सप्रेस करता है अपने आप को हर जनरेशन में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हर जनरेशन में अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा और टी स्मॉल टी वाले को क्या कर देगा, सेप्रेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पौधे होंगे वो 100% क्या होंगे हमारे टॉल होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट जनरेशन, इसे बोलते हैं लॉ डोमिनेंट, कि डोमिनेंट वाला करेक्टर हमारा एफ वन में 100% एक्सप्रेस हो रहा है, इज नोन एज लॉ डोमिनेंट टॉल। ठीक है, टॉल वाला प्लांट, जो टॉल वाला प्लांट है हमारा, वो जानते हैं कि हमें बताए थे फंक्शनल नॉन फंक्शनल प्रोटीन कल की बात करें, तो हमारा हमेशा एक्सप्रेस हो रहा है इन द एफ वन जनरेशन, इसी नाते को क्या बोलते हैं 100% टॉल। बट यहाँ पे जो टॉल है, यहाँ पे देखना जो प्योर लाइन है, कैसा हमारा होमोजाइगस। ठीक है, बट एफ वन जनरेशन में जो टॉल है वैसा हमारा हेट्रोजाइगस, यानी उसके पास ड्रॉप वाला भी करेक्टर प्रेजेंट है बट एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। यदि उसको टाइम मिला, कुछ ऐसे मौके मिले, तो अपने आप को वो एक्सप्रेस कर सकता है, कुछ ऐसा उसके गैमेट मिल गए तो एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन कैपिटल टी यदि प्रेजेंट है तो वहां पे कोई भी शॉर्ट वाला करेक्टर प्रेजेंट नहीं है, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का। ठीक है, सेकेंड था हमारा, अभी ध्यान देना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको बोलते हैं गुजराती में पृथककरण का नियम। ठीक है, पृथककरण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स क्या होता है, अलग हो जाना। ठीक है, पहले साथ साथ में थे, फिर बाद में क्या हो गया, अलग हो गए, दोनों सेपरेट हो गए। देखो यहाँ पे हम लोग जो बनाए हैं कैपिटल टी, यहाँ से गैमेट जाता हमारा सिर्फ कैपिटल टी, स्मॉल स्मॉल टी से हम देख रहे हैं स्मॉल टी, जो यहाँ पे देख रहे हैं, देखो सर्कल कर रहे हैं हम लोग, सर्कल नहीं कर रहे, ऐसे टिक कर रहे हैं, फिर बाद में मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा सेग्रीगेट हुआ, दो गैमेट पेयर्स में थे, एक ही गैमेट क्या हुआ है, आगे बढ़ा है, उसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि पेयर्स में करेक्टर थे, दोनों एलील्स पेयर्स में थे, दोनों में से एक आगे बढ़ा और इधर से भी एक आगे गया हमारा। ठीक है, और दोनों आपस में जाके आपस में फ्यूज किए और न्यू गैमेट का फॉर्मेशन किए। जैसे होता है कि हमारे मदर या फादर है, दोनों के करेक्टर हमारे अंदर आते हैं, यदि सेम फादर के आ जाए हम क्या बोलेंगे उसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, कि कोई भी वेरिएशन नहीं हुई है, पापा के करेक्टर सारे के सारे हमारे पास आ गए, मम्मी के करेक्टर कोई भी, मदर के करेक्टर कोई भी प्रेजेंट नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा एनवायरमेंट में, वो क्या होता है, कुछ करेक्टर नया लेता है, कुछ पापा और मम्मी से लेता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये समझ में आ गया आपको कि दोनों साथ साथ में थे, एक गैमेट चला गया, दूसरे को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो यहाँ पे F1 जनरेशन में अब बोला गया कि यहाँ पे 100% टॉल है, शॉर्ट वाला नहीं मिला हमको। ठीक है, और मेंडल ने बोला कि जब हम करेक्टर लेते हैं, ठीक है, दो करेक्टर लेते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, दोनों आपस में फ्यूज कराते हैं,
तो इनके करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, प्लांट में मिलते जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या है, हमको प्योरिटी ऑफ एमिट, यानी यदि हम यहीं पर रुक जाए, F1 जनरेशन पे ही रुक जाए, तो टॉल एंड शॉर्ट डाले तो हर प्लांट हमारा टॉल हुआ, यानी हमको शॉर्ट मिलेगा ही नहीं कभी। जब शॉर्ट मिलेगा ही नहीं तो शॉर्ट वर्ड आएगा ही नहीं प्लांट में, कि शॉर्ट प्लांट कहाँ से मिला जब भी। तो जो गैमेट लिए हैं, ठीक है, उस गैमेट के करेक्टर हमको मिलने चाहिए, ठीक है, चाहे F1 में मिले, चाहे F2, चाहे F3, हमको आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। नहीं तो शॉर्ट वाला एक बार लगाएंगे फिर गायब हो जाएगा, फिर हमको शॉर्ट प्लांट कभी भी नहीं फाउंड होंगी, कभी प्राप्त नहीं होंगे, ध्यान देना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आएगा हमारा, उसी में लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देखो अब प्योरिटी ऑफ गैमेट, जो हम सीड लिए सीड मिलना चाहिए हमको, ठीक है। तो F1 में हमको टॉल मिल रहा है, 100% टॉल मिल रहा है, ठीक है। अब हम एक और जनरेशन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक फर्स्ट जनरेशन हो गया, हो सकता है सेकंड जनरेशन हमको मिल जाए, रिसेसिव का है कि किसी जनरेशन में मिलेंगे किसी जनरेशन में नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन F1 वाला हमारा टॉल वाला हमेशा मिलेगा। तो अब क्या कराना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, F2 पता करना है। F2 पता करने के लिए, फिलियर जनरेशन सेकंड पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, F1 का, F1 के साथ सेल्फिंग यदि करा दें तो हो सकता है हमको मिल जाए, ठीक है। चलो तो हम करा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, देखना दोनों F1 जनरेशन हमारा, दोनों को क्रॉस कराना है। ये भी टॉल प्लांट है, अभी 100% टॉल, ये भी 100% टॉल, बट इसके पास स्मॉल टी है डोमिनेंट, ये स्मॉल टी प्रेजेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा, मौका देके एक्सप्रेस करेगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से यदि हम बात करते हैं नंबर ऑफ गैमेट्स की, और यहाँ से दोनों गैमेट्स की, यहाँ पे 2^1, 2^n यानी 2 गैमेट्स, यहाँ से भी कितने 2 गैमेट्स, यानी यहाँ से क्या क्या गैमेट बनेगा हमारा, देखना ध्यान देना आप लोग, T n small t, ये हो गया हमारा पृथक्करण, इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हो रहा है यहाँ पे साथ साथ में। अब देखना है ये F2 निकालने हैं हम लोग, अब इन चारों को आपस में मिला दो, ठीक है। देखो यहाँ से 2 गैमिट मिले थे हमारे, यहाँ से भी, अब 2 × 2 कितने हो गए टोटल हमारे, एक मिनट बेटा, 2 × 2 कर दिए तो हमारे पास टोटल गैमिट जो मिलेंगे हमको आंसर कितने, 4 मिलने चाहिए, ठीक है। 2 गैमिट इसके, 2 गैमिट दोनों को आपस में क्रॉस किए, टोटल गैमिट हमारे पास कितने मिलने चाहिए, 4 गैमिट्स मिलने चाहिए। अभी आपको बोला जाए बनाने के लिए, तुरंत बना दोगे, ठीक है, रुकना वेट करना, दो चीजें दी गई। अब देखो ये 4 हो गए हमारे पास, लेकिन हम कितने लिए थे, पेयर्स में लिए हुए, ये सिंगल सिंगल है, तो हमको पेयर्स में करना ही करना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि छोड़ देना, ऐसे सर हो गया 4 गैमिट हमारा अलग अलग, ये क्या हो गया हमारे, कोई करेक्टर नहीं है इसमें, 50% करेक्टर है। अब आपस में इनको फ्यूज करा दो, फर्स्ट गैमिट को उठाए दोनों से मल्टीप्लाई किए, सेकंड गैमिट को उठाए दोनों से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। कैपिटल टी यहाँ से उठाए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो हम लोग गैमिट्स निकाल रहे थे, टोटल हमारा 4 आ रहा था, नंबर ऑफ गैमिट्स भी कितने बन गए हमारे पास, 4 बन गए। या तो इस तरह कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, सबसे आसान तरीका है पूर्नेट स्क्वायर मेथड, चकर बोर्ड बना देंगे हम लोग, जैसे चेस खेलते हैं ना, ठीक है, उस चेस के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम लोग, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ये बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक गैमेट को यहाँ ऊपर लिख देंगे, कोई भी आप गैमेट लिख सकते हो, और एक गैमेट को पूनेट ने बताया था चकर बोर्ड मॉडल या फिर स्क्वायर बोर्ड मॉडल बोलते हैं, ठीक है। एक गैमेट को अपर पोर्शन पे, एक गैमेट को लोअर पोर्शन, देखो 2 गैमेट थे हमारे यहाँ से, देखना यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। देखो ये थे, अब इसमें से क्या कि हम दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्रॉस कराएं, क्रॉस कराने में क्या होता है, जब भी हम क्रॉस कराते हैं तो हो सकता है एरो एक दूसरे से मैच हो जाता है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट्स हमारे कुछ अलग हो जाते हैं। आप कोशिश सही कर रहे थे, लेकिन एग्जाम में जल्दीबाजी में क्या होता है, हमारा इधर का उधर हो जाता है, जिसके कारण हमारे नंबर ऑफ गैमेट्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको उठाएंगे, फर्स्ट वाले को उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले को, इधर बॉक्स में रख लीजिए, मैथ तो जानते हो इतना, थोड़ा सा गेम खेलते हैं हम लोग मोबाइल में। अब इसी को उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बना दिए,
अब लास्ट वाले को स्मॉल टी वाले को उठाए, कैपिटल टी से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई किए, स्मॉल टी, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डेबिट हमारे टोटल 4 to 4 है, दोनों सेम है भाई। ऊपर भी देखो नंबर ऑफ डेबिट्स बने, नीचे भी नंबर ऑफ डेबिट्स 4 बने। तो स्क्वायर मीटर यूनिट स्क्वायर मेथड बहुत आसान है, इसी से आपको करना है। वैसे देखो इसको नीचे भी ले सकते हैं, इसको ऊपर भी ले सकते हैं, दोनों आप किसी भी तरह लिख सकते हो, ठीक है, बस सेम रहना चाहिए इस गैमिट को एक साथ, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, चलो इस एक गैमिट को एक साथ और एक गैमिट को एक साथ लिखना है। अब देखो यहाँ पे जो मिला हमारा प्लांट मिला, ये जो है कैपिटल टी एक ऐसा प्लांट है हमारा टॉल, हम लोग लिए थे टॉल लिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा ये भी कैसा हमारा टॉल, ये हमारा टॉल और ये कैसा हमारा डो, ठीक है, शॉर्ट है, ठीक है। ये चार पौधे मिले हमारा किसमें, हमारा एफ टू जनरेशन में, एफ टू जनरेशन हमारे ये पौधे मिले हैं, ठीक है। तो देखने पे बाहर से अब दो चीजें पूछी जाएंगी, इन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों को किसमें रखते हैं हम लोग, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, दोनों मोनो है, सिंगल करेक्टर लिए थे हम लोग, ठीक है, टॉल एंड डॉ एक ही करेक्टर है, प्लांट हाइट की बात कर रहे थे कि प्लांट हाइट में एक ही करेक्टर हमारा टॉल एंड डॉ, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड था इस नाते पता चल गया हमको, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ठीक है, बस 5 से 10 मिनट में आपको अभी, ठीक है, चैप्टर टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रुक जाओ, ठीक है। अब देखो एफ टू जनरेशन आ गया हमारा, एफ टू जनरेशन में हम लोग दो चीज जाएंगे, एक होगा हमारा पूछेगा फिनोटिपिक करेक्टर और सेकेंड पूछेगा हमारा जीनोटिपिक्स करेक्टर, फिनोटिपिक एंड जीनो टिपिक से करेक्टर की बात करेगा, ठीक है। अब आ जाओ फिनोटिपिक करेक्टर में हमारा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जब देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कितने तरह के प्लांट दिख रहे हैं, तो टॉल 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 कितने हमारे पास 3 पौधे हैं और शॉर्ट कितने हमारे 1, तो फिनोटिपिक रेशियो की बात करें हम लोग, ठीक है, दो चीजें पूछी जाएगी यहाँ पे लिखे फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक ही पूछा जाएगा आपको, तो फर्स्ट लिख लेते हैं फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है हमारा 3:1, क्योंकि 3 पौधे कैसे हमारे टॉल और 1 पौधा कैसा हमारा डॉग, देखने से बाहर से देखने में प्लांट हमको पता चल गया। सेकंड बात करते हैं हम लोग जीनोटिपिक रेशियो कि जीनोटिपिक रेशियो कितने होंगे, अब जेनेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, उस तरह के पौधे कितने हैं हमारे पास उसकी बात करना है। देखो तो कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये मिला है और स्मॉल टी ये मिला है जीनोटिपिक, तो ये पौधा हमारे पास एक है, ये कितने हमारे पास 2 और ये कितने, हमारे पास कितना रेशियो हो गया हमारा 1:2:1, ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि मोनोहाइब्रिड में फिनोटिपिक जब प्योर लाइन क्रॉस कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड प्योर लाइन क्रॉस करा रहे हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो कितना आता है, तो फिजिकली रिप्रेजेंटेशन से देख रहे हैं तो हमारा इन एफ टू जनरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, एफ वन में हमारा 100% टॉल आएगा और एक ही प्लांट है। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा डॉफ वाला भी आ गया, यानी डॉफ वाला उसके साथ प्रेजेंट था बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, जैसे ही इसके क्रॉस किए गैमिट्स मिला अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन वो कुछ ही होंगे पौधे डॉफ इन द रिस्पेक्ट ऑफ टॉल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो कितने हमारे 3:1, 3 पौधे हमारे टॉल हैं और एक कैसा हमारा डॉफ है। जीनोटिपिक रेशियो की बात कर रहे हैं तो एक हमारा कैपिटल टी अकेला है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 तरह के पौधे हमारे होमो हेट्रोजाइगस और कैपिटल स्मॉल टी एक है, यानी ये कैसा हमारा होमोजाइगस, ये कैसा हमारा हेट्रोजाइगस और ये कैसा हमारा होमोजाइगस। कभी कल आपको डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है
कि आप रेशियो बताइए मोनो हाइब्रिड का, कि होमोजाइगस टॉल कितने हैं, हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं, होमोजाइगस डॉर्फ कितने हैं, तो भी आप बता सकते हो। फिर डायरेक्ट पूछ दिया गया आपका कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होमो और हेट्रोजाइगस प्लांट कितने हैं, तो होमोजाइगस दो, हेट्रोजाइगस दो, 1:1। ये भी ध्यान देना, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस टॉल एंड डॉर्फ की कुछ नहीं बात किया, सिर्फ होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस कितने हमारे, देखो 1 एंड 1, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, हेट्रो में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो आप रेशियो आप निकाल सकते हो। अब देखो दूसरा था, हम लोग बोल रहे थे इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। कैसे, हम लोग जो प्लांट लिए थे, देखना आप लोग, टॉल एंड डॉफ लिए थे और हमको लास्ट में टॉल भी मिल गया और डॉफ भी मिल गया, यानी जो सीड लिए थे वो 100% हमारा F2 जनरेशन में फाइंड हो गया, यानी हमको प्रूव हो गया कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। क्योंकि करेक्टर ट्रांसफर हुआ तभी हमको टॉल एंड जो सीड लिए थे वो सीड हमको ऑप्टेन हो गया, इन F2 जनरेशन में हमारा काम बन गया। और नीट में और NCERT में सिर्फ आपको F2 जनरेशन तक है, F3 भी निकाल सकते हो। क्या करना है, F2 का F2 से क्रॉस करा देंगे तो हमको F3 भी मिल जाएगा। ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और रुकना, ठीक है, अभी अब क्लास दूसरा आएगा, यहां तक हो गया हमारा। अब सेकेंड आएगा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखना ध्यान देना आप लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट जिसको बोलते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है, ठीक है। अब सुनना, कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोगों ने मोनो देखा है उसी तरह हमारा क्या करना है, डाई भी देखना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी देखना है, ठीक है बॉस। चलो ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, डाई हाइब्रिड है तो कितने करेक्टर लेंगे, टू करेक्टर्स लेंगे, कितने करेक्टर लेंगे हम लोग, टू करेक्टर्स लेना है हमको, ठीक है। दो करेक्टर कोई भी ले ले, जैसे टॉल लिए थे एक करेक्टर हमारा प्लांट हाइट और एक है सीड शेप ले लेते हैं, ठीक है। टू करेक्टर में फर्स्ट लिए हम लोग, फर्स्ट प्लांट हाइट जो आसानी होती है, सेकंड सीड शेप की बात करेंगे, ठीक है, कि सीड का शेप। प्लांट हाइट में कैसा हो गया हमारा, ठीक है, प्लांट हाइट की बात करें टॉल एंड डॉर्फ है हमारा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं टॉल एंड डॉर्फ। सीड शेप की बात करें तो कैसा होगा हमारा, राउंड एंड व्रिंकल्ड, ठीक है। देखो ये सीड लेना है हमको, अब देखो हम ले लेते हैं, प्योर लाइन लेना है हमको, क्रॉस कराना है, जैसे मोनो हाइब्रिड भी किए हैं सेम करना है, बट यहाँ पे दो करेक्टर लेके चलना है। तो ले लिए कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये हो गया टॉल एंड राउंड, दोनों जो डोमिनेंट है एक साथ लिखेंगे, क्रॉस विथ डॉफ एंड ब्रिंकल, तो स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे हो गया हमारा ड्रॉफ एंड ब्रिंकल, ड्रॉफ एंड ब्रिंकल, ठीक है। दो करेक्टर ले लिए हम लोग, टॉल एंड राउंड ले लिए एंड ड्रॉफ एंड ब्रिंकल ले लिए, ठीक है, दो करेक्टर लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ गैमेट पता करना है, तो अब देखो यहाँ से और यहाँ से आप लोग नंबर ऑफ गैमेट पता कर लेंगे, तो यहाँ से आएगा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर, फार्मूला आपको पता है, टू दी पावर एन इक्वल टू जीरो, दोनों में क्या होगा हमारा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल आर। अब दोनों को आपस में फ्यूज किए सेम जैसे हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड में किया था, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, देखो ये हो गया हमारा F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में पौधा कैसा मिलेगा हमको, टॉल एंड राउंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमारा F1 जनरेशन ये क्या हमारा डोमिनेंट था, डॉफ और ब्रिंकल वाला क्या था हमारा रिसेसिव था, तो टॉल वाला हमेशा अपने आप को F1 में एक्सप्रेस करता है 100%, तो 100% हमारा पौधा कैसा मिलेगा, टॉल एंड राउंड एक ही पौधा मिलेगा। यहाँ पे टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी को रिसेसिव दबा दिया करेक्टर को, कैपिटल आर डोमिनेंट है और स्मॉल आर क्या हमारा रिसेसिव है तो इसको दबा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F1 जनरेशन में पौधे मिल गए हमारे, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है F2 जनरेशन इन डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो जब भी F2 जनरेशन में जाएंगे हम लोग, तो F1 क्रॉस विद F1, जानते हैं हम लोग क्या मिलता है, F2। तो TTRR क्रॉस विद ये कराना है आपको, ठीक है। अभी आपको घर पे करके आना है, ठीक है। इसके टोटल नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, 4। इसके टोटल नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, 4, क्योंकि 2n यहाँ पे कितने हैं, 2, तो हो गया 4। इसी तरह यहाँ पे 2 2 = 4, और 4 × 4 यहाँ पे करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कितने बनेंगे, 64 गैमेट बनेंगे, ठीक है। कितने गैमेट बनेंगे हमारे पास, 64 गैमेट टोटल बनने चाहिए हमारे F2 जनरेशन में। यदि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में टोटल नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे हमारे, 64। सॉरी 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 64 बोल रहे, 16 बना होगी, ठीक है। हाँ ठीक है, 64 हमारा ट्राइहाइब्रिड में जाता है, 16 गैमेट बनेंगे हमारे, 64 तो बहुत ज्यादा है, 16 गैमेट हमारे बनेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से हमारे जो 4 गैमेट बनेंगे आपको पता है, आप लोग फाइंड कर सकते हो, कुछ ये बनेगा हमारा, ठीक है, 4 गैमेट इसके, और सेम ये भी है तो सेम गैमेट इसके भी बनेंगे हमारे, इसके भी क्या बनेंगे हमारे, देखो अब ये दोनों गैमेट बन गए। अब करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है, पूनिट स्क्वायर बनाना है। क्या करना है आपको, पूनिट स्क्वायर बनाना है, इस तरह करके आपको बना लेते हैं बस, TR और इधर भी इस तरह लिखते चले जाना आपको, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारे टोटल टेबल बन गए हमारे पास, 16 गैमिट बनने के टेबल हमारे पास मिल गए, ठीक है। अब इसको हम लोग 16 गैमिट यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। टोटल ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, हम एक मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ गैमिट लिए थे कैसे लिए थे, इस तरह का देखना, ध्यान देना, दो पेयर्स में थे तो पेयर्स में ही रिजल्ट आने चाहिए। तो TTRR यहाँ पे हम एक बना रहे हैं, सिर्फ एक बना रहे हैं ऊपर वाला, TTRR, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इस तरह आपको 16 गैमिट बनाने हैं अपने आप से, ठीक है। तो 16 गैमिट बन गया यहाँ पे, 16 गैमिट के बाद अब यहाँ पे दो चीज पूछा जाएगा आपको कि F2 जनरेशन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस में, एक पूछेगा आपको फिनोटिपिक रेशियो पूछेगा, और सेकेंड जीनो टिपिक रेशियो पूछेगा। दो चीजें पूछेंगे आपको और ये दोनों चीज आपको फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है। एक 16 गैमिट याद होगा आपको, शुरू में बनाए थे ABCD था, उसके गैमिट बनाने थे, 16 गैमिट यहाँ भी आपको बनाने हैं। तीसरा फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक आपको फाइंड करना है, NCERT से नहीं, बुक से किसी नहीं, ठीक है। उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आपको यदि मोनो हाइब्रिड का रेशियो हमको पता है 3:1 एंड 1:1, ये रेशियो आपको पता है तो इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस पे हम लोग डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड टेट्रा पेंटा जो भी है सबके हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड कर सकते हैं, वो कल बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आप लोग इसको फाइंड करना, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो फाइंड करना। तो आपको यदि गैमिट बनाना अच्छे से, फिर गैमिट में लिखना कि कितने हमारा रेशियो कौन प्लांट कितने मिलने हैं, प्लांट के साथ हाइट टॉल के साथ राउंड है, टॉल के साथ विंकल्ड है, डॉग के साथ राउंड है, डॉग के साथ विंकल्ड है, कितने सीट मिलने हैं, दोनों का रेशियो आपको फाइंड करना है, ठीक है। और आपको जो आगे दिए वो भी फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जो आएगा हमारा टेस्ट क्रॉस आएगा जो कल पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस पढ़ेंगे। फिर हम लोग वहां पढ़ेंगे मेंडल के कुछ एक्सेप्शन, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन किया जाएगा जो हम क्रॉस किए हैं, कैसे कैसे गैमिट पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा कल आएगा NCERT, आप लोग देखना थोड़ा सा, इन कंप्लीट या फिर
कंप्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे, ये टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस कंप्लीट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ने के बाद, ठीक है, फिर और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, पोस्ट मेंडलिज्म करेक्टर पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तो किसी को डाउट हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, और ये आपको, हाँ 16 बनेंगे, वेरी गुड। और 16 गैमिट आपको बनाना है, देखो बनाना है, नंबर ऑफ गैमिट्स आप लोग फिर ट्राई करना घर पे, सारी चीजें अब से लिखना आप लोग पूरी चीजों को, ठीक है। जहां भी कंफ्यूजन होगा, जहां भी डाउट आओगे, आप हमसे पूछ सकते हो कि सर गैमिट कैसे बनाया, भूल गए, ठीक है। बस फार्मूला आपको याद रखना है, टू दी पावर एन, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है, ठीक है, ये पता है, तो आप लोग सब कुछ कर सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो, ठीक है। अब कोई डाउट है तो आप क्यू एंड ए में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं सर से बात करके आपको लेक्चर पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन पीडीएफ पे आप डिपेंड ज्यादा मत रहो, जितना दिखाया गया आप लोग खुद से नोट करोगे तो बेटर होगा ज्यादा। जैसे हम कोई भी चीजें खुद से करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना खुद से सिखाया जाता है, ठीक है, आगे पीछे बैठा रहता है आपको इंट्रक्शन बस देता है, आप जब तक खुद से आप लोग ब्रेन नहीं यूज करोगे, लिखोगे नहीं, तब तक हमको गाड़ी चलाने नहीं आता है, ठीक है, नहीं तो बार बार हमको सहारा चाहिए। तो जो आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, आप ऐसा टेंशन मतलब पीडीएफ मिलेंगे, बट जितना लिखाया जा रहा है आपके स्क्रीन पर लिख रहा है, सब आप लोग इसको लिखते जाना, स्क्रीन शॉट लेते जाना, स्क्रीन लिखते जाना, ऐसे करके आपको करना है, क्योंकि आप लोग अब क्या करने जा रहे हो, एमबीबीएस करने जा रहे हो, आप बगल में कोई दूसरा डॉक्टर नहीं बैठा रहेगा, आप खुद डॉक्टर बनोगे, खुद दवाइयां लिखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कोई पेशेंट आ गया तो हम जा रहे हैं वहां पे, बुक रखी गई है गाइनो की या फिर स्किन डिपार्टमेंट से, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, या फिर सर्जरी की, तो वहां से बुक लेके आ रहे हैं फिर उसको लिख रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पीडीएफ भी मिलेगा। सर केमिस्ट्री का लेक्चर कब होगा, सर बताएंगे आपको केमिस्ट्री का लेक्चर कब होगा, ठीक है, सर बताएंगे आपको, मनीष सर बताएंगे आपको कि लेक्चर कब होगा, ठीक है। कोई भी और भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि सर कोई भी एनी डाउट कुछ भी हो आपसे, ठीक है, लाइफ से या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेहिचक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट चीजें पढ़ाई करना है, रेगुलरली जितने भी है आपको, फिर आपको टेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी भेजे जाएंगे, थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, दो टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर आपको क्वेश्चन भेजे जाएंगे लगाने के लिए, ठीक है।